here we go. But somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above. I just need one. वेलकम टू मनीषा शर्मा व्लॉग। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ किचन के लिए दो DIY। किचन एक ऐसा प्लेस है जहाँ हम लेडीज़ का सबसे ज़्यादा समय बीतता है और हमें खाना बनाने के साथ साथ अपने किचन को डेकोरेट भी करना चाहिए। वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कुछ यूज़लेस चीज़ों से हम लोग अपने किचन को कितना अच्छे से डेकोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कार्डबोर्ड लिया है और उसको चॉपिंग बोर्ड की शेप में मैंने कट कर लिया है। और इसके साइड में जो आपको दिख रहा है जो रफली है, इसको कवर करने के लिए यहाँ पर मैं पेपर टेप यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर मैं पेपर टेप की हेल्प से इसको चारों तरफ से कवर कर लूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं पूरे चॉपिंग बोर्ड पर जो है पेपर टेप लग चुका है। अब इस पर हम लोग फर्स्ट कोट कर लेते हैं वाइट कलर का। अब वाइट के बाद इस पर करते हैं हम सेकंड कोट, जो कर रही हूँ मैं पिंक कलर का। और यहाँ पर पिंक कलर भी हो गया है कंप्लीट। तो कर लेते हैं अब कुछ डेकोरेशन की तैयारी। इस पर मैंने लिखी है एक कोटेशन, आप भी जो आपको अच्छी लगे वो कोटेशन लिख सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसको कुछ कलर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने हार्ट बनाया है तो उसमें मैं कलर कर रही हूँ रेड। अब यहाँ पर थोड़ी सी आउटलाइनिंग कर लेते हैं ताकि ये और हाईलाइट हो जाए। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये प्लास्टिक के, जो मेरे पास पुराने स्पून और फॉर्क पड़े हुए थे उस पर मैंने ग्रीन कलर कर लिया है। और इसको मैं डबल टेप की हेल्प से इन दोनों को लगा दूंगी।
पर यहाँ मैंने ली है एक जूट रोप, उसकी हेल्प से मैं हैंडल को डेकोरेट करूँगी। और चलते हैं अपने दूसरे DIY की तरफ, जो है सेम उसी जैसा फर्स्ट DIY बनाया है, सेम उसी की तरह है, उसी की प्रोसेस से हमने बनाना है। पहले मैं यहाँ पर कट कर लेना है, और उसके बाद में जैसे पहले मैंने पेपर टेप लगाया था उसी तरह से यहाँ पर भी पेपर टेप लगा लेना है। और उसके बाद पहले इस पे बेस कोट वाइट करेंगे, और उसके बाद जो भी कलर आपको करना हो या जो आपको पसंद हो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं करूँगी इसके ऊपर ग्रीन कलर, और यहाँ पर मैं ग्रीन कलर कर रही हूँ अब। और अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल पर आप ऐसे ही बने रहें, और मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आती रहूँगी। तो यहाँ पर कलर हो गया है कंप्लीट, और थोड़ी सी कर लेते हैं अब इस पर डेकोरेशन की तैयारी। तो यहाँ पर मैं इसके ग्रीन कलर के बाद करूँगी एक वाइट डॉट से थोड़ी डेकोरेशन। तो यहाँ पर मैंने अपने वाइट डॉट लगाए हैं, और आप देख सकते हैं कि ये कितना सुंदर लग रहा है। और ये दोनों ही DIY कैसे लगे हैं आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू। Somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above. I just need one.